हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा चैनल इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिकल। दोस्तों, पहली वीडियो में आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन देखी, इंट्रोडक्शन देखी VFD के बारे में। तो आज मैं वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, इसी VFD के ऊपर बना रहा हूं। तो पहले ये VFD का मेक और मॉडल नंबर देख लेते हैं। तो VFD का जो मेक है ये डेल्टा मेक की है दोस्तों, और इसका मॉडल नंबर देखते हैं दोस्तों, और कितने जो इसका रेटिंग है। मॉडल नंबर इसका देखिए VFD004L21A, ये है दोस्तों इसका मॉडल नंबर। और सिंगल फेज और थ्री फेज दोनों से इसे चला सकते हैं, और 0.5 HP की जो है इसकी रेटिंग है दोस्तों। तो ये 0.5 HP 0.4 kW की हमारे पास VFD है। तो दोस्तों, आज का वीडियो में जो मेन कंट्रोल है, इसके कंट्रोल कीपैड कंट्रोल के बारे में मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इसे कीपैड से कंट्रोल कैसे करते हैं, अगर आपके पास ये VFD है तो ये देखिए। अभी मैंने इसके ऊपर सिंगल फेस सप्लाई दे रखी है, थ्री फेस आउटपुट मैंने मोटर कनेक्ट कर रखी है, मगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये दोस्तों स्टार्ट नहीं हो रही। तो अभी मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है, इसको यहीं से स्टॉप करना है, और यहाँ से इसकी जो फ्रीक्वेंसी है RPM कंट्रोल करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं दोस्तों। हमें क्या करना है दोस्तों, हमें पहले प्रोग्राम को दबाना है। ये हमने प्रोग्राम दबाया, ये दो आ गया, तो फिर प्रोग्राम से एंटर करेंगे। ये हमने एंटर कर दिया, ये जो है यहाँ पे पैरामीटर दो का एक आ गया, तो इसमें एंटर करेंगे। पैरामीटर दो के एक में जाना है हमने पहले। ये मेरे पास मैंने पैरामीटर लिख रखे हैं, ये दोस्तों स्टार्ट सोर्स। स्टार्ट सोर्स मतलब स्टार्ट कैसे करना है। तो ये 2K1 में आगे हमने सेटिंग में जाना है। ये देखिए यहाँ पे जो सेटिंग आएगी, यहाँ पे D0, D1, D2, D3 आएगा। तो दोस्तों D0 पे करेंगे तो डिजिटल कीपैड से हो जाएगा, डिजिटल कीपैड ये है, यहाँ से स्टार्ट होने लग जाएगी। D1 पे करेंगे और D2 पे करेंगे, ये दोनों एक्सटर्नल टर्मिनल के हैं, तो ये वाले एक्सटर्नल टर्मिनल हैं दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट हो गई। D3 पे करेंगे दोस्तों, ये कम्युनिकेशन के ऊपर जाएगी, तो कम्युनिकेशन पोर्ट हमारा ये है RS485, यहाँ से होगी। तो हमने पहले इसको कीपैड पे लेना है दोस्तों। तो हम 201 पे आए, यहाँ पे फिर हमने प्रोग्राम दबा के एंटर लिया, ये हमने एंटर किया। ये D1 पे स्टार्ट है, D1 के ऊपर जो है प्रोग्राम्ड है, तो D1 का मतलब है एक्सटर्नल टर्मिनल। अभी हम इसे D0 पे करेंगे दोस्तों, यहाँ से अप डाउन करके सेट कर सकते हैं। तो डाउन करके ये मैंने 0 पे लिया, अभी इसे एंटर करेंगे प्रोग्राम दबा के फिर, ये हो गया एंटर। तो दोस्तों ये हमारा स्टार्ट सोर्स है जो यहाँ से हो गया। अभी एक बार चला के देख लेते हैं, ये देखिए VFD चल गई। अभी चल तो गई बट इसकी फ्रीक्वेंसी कंट्रोल नहीं हो रही, RPM है जो पूरे RPM फुल RPM पे चल रही है। तो अभी यहाँ से हमने फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करनी है, तो कैसे करेंगे, तो पहले इसे स्टॉप कर देते हैं। तो दूसरा पैरामीटर आप देखिए, ये जो है ये है फ्रीक्वेंसी सोर्स। फ्रीक्वेंसी सोर्स मतलब दोस्तों इसके RPM की कमांड है, जो RPM का सोर्स है। तो ये 200 में जाना है हमने, उसके बाद वही पैरामीटर हैं D0, D1, D2, D3, D4। तो D0 पे करेंगे डिजिटल कीपैड, तो दोस्तों ये वाला डिजिटल कीपैड है, जो बटन है डिजिटल बटन यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद AVI पे हो जाएगा, AVI मतलब 0 to 10, ये जो एनालॉग इनपुट है इसके ऊपर हो जाएगा। दूसरी एनालॉग इनपुट है दोस्तों D2 4 to 20, दो तरह के सोर्स दे सकते हैं हम। तीसरी इनपुट है दोस्तों इसको VFD पोर्ट है ये दोस्तों, जो वेरिएबल पोर्ट है, तो इस पोर्ट के ऊपर कर सकते हैं। तीसरा है RS485, वो कम्युनिकेशन के ऊपर है, कम्युनिकेशन पे कर सकते हैं। तो अभी हम दोस्तों इसको D3 पे करके सेट कर देते हैं। तो मैं इसको अभी D3 पे कर रहा हूँ, पहले ये 201 है, इसको 200 पे लेना है, 00 पे। तो डाउन करते हैं, 00 आ गया, एंटर करते हैं। अभी देखिए ये 4 पे स्टार्ट है कम्युनिकेशन पे, तो इसे 3 नंबर पे करते हैं, ये 3 नंबर के पे करके एंटर करेंगे दोस्तों। अभी स्टार्ट करके देखते हैं, तो रिवर्स जाते हैं एक बारी, ये फ्रीक्वेंसी पे आते हैं, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, ये देखिए अभी कंट्रोल होने लगी 24 हर्ट्ज। तो स्टार्ट करके देखते हैं, ये हमने स्टार्ट कर दिया, ये देखिए अब दोस्तों ये यहाँ से चल रही है, ये देखिए
ये दोस्तों अभी यहाँ से जितने आरपीएम चाहे उतने सेट कर सकते हैं, तो इस तरह से दोस्तों यहाँ से ले सकते हैं। अभी आपने डिजिटल, अगर आपका बाय चांस पोर्ट ख़राब हो गया, आपने कीपैड पे लेना है, वो कैसे लेंगे दोस्तों? पहले स्टॉप करेंगे, क्योंकि रनिंग में इसमें पैरामीटर नहीं डाल सकते, तो वहीं जाएंगे दोस्तों, प्रोग्राम दबाएंगे 2, फिर प्रोग्राम दबाएंगे 00, फिर एंटर करेंगे दोस्तों, फिर इसे करेंगे B0 पे, डिजिटल कीपैड पे दोस्तों। तो ये हम कर रहे हैं इसको 0 पे, एंटर करेंगे दोस्तों। अभी बैक चले जाते हैं फ्रीक्वेंसी पे, रन करते हैं, तो ये चल गई दोस्तों। अभी यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये देखिए, ये डिजिटल कीपैड पे हो गई, यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी पोर्ट से आप करोगे तो पोर्ट से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसकी प्रोग्रामिंग है जो कीपैड पे हो चुकी है। तो ये देखिए दोस्तों, आप बिल्कुल 0 भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल 0, ये देखिए मोटर आपकी बंद हो गई बिल्कुल। तो अभी इसे बढ़ा भी सकते हैं दोस्तों, कम आरपीएम पे भी, 2-3 आरपीएम पे भी चला सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप इसको कीपैड से कंट्रोल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इसकी बनाऊंगा, इसको जो वायरिंग है, इसकी वायरिंग जो इसके एक्सटर्नल टर्मिनल है, इसको यहाँ से कैसे चलाएंगे पुश बटन पे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये चला के यहाँ से दिखाऊंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर एंड कमेंट करना, और दोस्तों आप अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करना, उससे हमारा जो है एप्रिसिएशन मिलता है हमें, तो हम नेक्स्ट आपके लिए ऐसे बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाते रहेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।